नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M31 और सैमसंग गैलेक्सी M30S स्मार्टफोन को। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सैमसंग गैलेक्सी M30S इंडियन मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहा था। तो दोस्तों, अब इसी स्मार्टफोन की सक्सेस को देखते हुए सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन को लेकर आ रही है। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन में भी आपको बड़े और अच्छे पावरफुल फीचर्स मिलने वाले हैं, और कंपनी इस स्मार्टफोन को मिड रेंज के अंदर लॉन्च करेगी। तो दोस्तों, ऐसे में आपके सामने यह सवाल आता है कि मिड रेंज के अंदर आपको सैमसंग गैलेक्सी M30 स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, हम इन दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करके बताएंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा, इन दोनों स्मार्टफोन के किस किस फीचर के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, और इन दोनों स्मार्टफोन की कीमत के अंदर कितना डिफरेंस होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन के लुक और इनके डिजाइन की, तो दोस्तों लुक और डिजाइन के मामले में दोनों स्मार्टफोन सेम रहेंगे। दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको इन्फिनिटी यू शेप की वाटर डॉप नोज डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन का बैक पैनल बिल्कुल अलग अलग होगा, क्योंकि दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M30S स्मार्टफोन के अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जबकि दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन के अंदर आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की, तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M30S स्मार्टफोन के अंदर आपको कमरे ने 6.4 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड इन्फिनिटी यू शेप की वाटर डॉप नोज डिस्प्ले दी है, जबकि दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन की बात की जाए, तो दोस्तों स्मार्टफोन अंदर भी आपको 6.4 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड इन्फिनिटी यू शेप की वाटर डॉप नोज डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी, और उसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 होगा। तो दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको एक ही साइज की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको रियर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की कैमरा सेटअप के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सैमसंग गैलेक्सी M30 स्मार्टफोन के अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको इसके बैक पैनल के ऊपर 48 MP, 8 MP और 5 MP का ट्रिपल रियर कैमरा और 16 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन की बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी 64 MP, 8 MP और 5 MP का रियर कैमरा और 32 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा दे सकती है। तो दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, कैमरा के मामले में सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। इसके अंदर आपको दोस्तों 64 MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको शायद 32 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इसके सेल्फी कैमरा के बारे में अभी तक कंपनी ने कंफर्म नहीं किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की रैम और इनके स्टोरेज के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी M30 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों स्मार्टफोन को कंपनी ने मार्केट में 4 GB और 6 GB रैम के साथ लॉन्च किया है, जिसके साथ आपको 64 GB और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन को भी कंपनी 4 GB और 6 GB रैम के साथ लॉन्च करेगी, जिसके साथ आपको 64 GB और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा, और माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए आप दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको दो दो वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M30 स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ सैमसंग के ही X96611 का चिपसेट दिया था, और यह मोबाइल एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर लॉन्च किया गया है, और ग्राफिक के लिए मोबाइल के अंदर आपको Mali G72 का GB देखने को मिलता है। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन के अंदर भी आपको कंपनी ने सेम ही प्रोसेसर दिया है। इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको कंपनी ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ सैमसंग के X96611 का चिपसेट देगी, और यह मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया जाएगा, और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको Mali G72 का GB देखने को मिलेगा। तो दोस्तों प्रोसेसर के मामले में दोनों स्मार्टफोन सेम रहेंगे, दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलेगा, कंपनी ने इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के अंदर चेंजेस नहीं किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको प्रोसेसर की तरह ही बैटरी भी सेम देखने को मिलेगी। दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको 15 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 6000 mAh की बड़ी और अच्छी पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि USB Type-C पोर्ट के साथ आएगी। तो दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको बड़ी और अच्छी पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको लॉन्ग पावर बैकअप देगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। दोस्तों, यदि आप एक बड़ी और अच्छा मिड रेंज स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके अंदर आपको दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M30S स्मार्टफोन ज्यादा बढ़िया और अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों, अगर इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस की बात की जाए, तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M30S स्मार्टफोन 4 GB रैम के साथ इंडियन मार्केट में लगभग 13,000 रुपए में मिल जाएगा। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन भी इंडियन मार्केट में आपको 15,000 रुपए तक की कीमत में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।